हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं डेली एक वीडियो डालता हूँ, रीडिंग डालता हूँ मैं, जो कि काफ़ी लोगों से रेजोनेट करती है। जो मैंने आज इवन वीडियो डाली थी सुबह, उसमें भी काफ़ी लोगों ने प्यार दिखाया और काफ़ी लोगों को उस चीज़ से रिलेटेड, देखिए उस जो मैंने अभी रीडिंग करी है उस वो रीडिंग कई लोगों से रेजोनेट करी है। कई लोगों ने मुझे आज कॉल या मैसेज किए हैं, कई लोगों ने उस चीज़ के सोल्यूशन लिए हैं, कई लोगों ने वो जो मैंने आपको कल बताया था, आज सुबह मॉर्निंग में वीडियो मैंने बताया, नेगेटिविटी रिमूवल स्प्रे कई लोगों ने लिया। आप देखो, कई लोग जो है ब्रेसलेट को अफोर्ड नहीं कर पाते, जैसे घर में कोई नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है, हर कोई इंसान वो ब्रेसलेट नहीं पहन सकता, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रेसलेट थोड़े कॉस्टली आते हैं। तो इसलिए मैंने स्प्रे निकाला है जो कि हर एक मेंबर के ऊपर अप्लीकेबल होगा, घर की सारी नेगेटिविटी को अब्जॉर्व करेगा, जिससे जो घर में जितने भी मेंबर हैं सारे सारे उस नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही मैं कई सारी चीज़ें ऐसे धीरे धीरे निकालते रहता हूँ। कई लोग उस चीज़ को बहुत लाइक करते हैं, उनका काफ़ी काम आती हैं चीज़ें वो, और काफ़ी वो उस चीज़ से थैंकफुल भी होते हैं, यूनिवर्स से भी थैंकफुल होते हैं, हम भी थैंकफुल कहते हैं। और इसलिए आज की जो रीडिंग मैं लेकर आया हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये भी रीडिंग आपके और आज जो आज मैं बताने वाला हूँ, आपकी और आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग के बारे में आज बताने वाले हैं कि आपके और आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, क्या एक्चुअल में भी आपके मन में चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, आज उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। और यदि आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो इसे प्लीज़ क्लेम कीजिएगा, और साथ में मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। और साथ में नीचे जो है, यदि आप चाहते हैं डिवाइन पावर्स या यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स आप चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन या थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखना मत भूलिएगा। चलिए, मैं जब तक कार्ड से, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ, मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। माई नेम इज़ अंकित एंड आई एम ए रिलेशनशिप कंसल्टेंट, क्रिस्टल हीलर एंड ए टैरो रीडर। यदि आप हमसे अपनी कोई पर्सनल टैरो रीडिंग कराना चाहते हैं, क्योंकि जो मैं रीडिंग करता हूँ एक जनरल रीडिंग रहती है, टाइमलेस रहती है, कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं होती। यदि आप अपनी कोई पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए, नंबर है मेरा 9540046626। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे पास कुछ एनर्जाइज क्रिस्टल्स भी होते हैं जो कि हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, फाइनेंस के लिए, जॉब के लिए, हर एक चीज़ के लिए हमारे पास क्रिस्टल्स हैं जो कि आपके नेम और डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज किए जाते हैं। तो यदि आप ये भी लेना चाहते हैं, डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर है मेरा 9540046626। चलिए, जब तक मैं कार्ड से पल कर लेता हूँ, आप अपने पार्टनर का नाम मन में सोचिए, जिसको भी आप अपनी लाइफ में फिर से लाना चाहते हैं, या लाइफ में आपके है, या किसी ने आपको नो कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, आप उसके बारे में सोच सकते हैं। जो मन में क्वेश्चन है आप वो भी मन में ला सकते हैं, देखते हैं क्या कार्ड निकलते हैं। द चौराइट, द स्टार, फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ बैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ बैंड, द एम्प्रेस, ब्यूटिफुल कार्ड, द लवर, Five of Swords, and last one is Ten of Cups, and the bottom of the deck is Page of Pentacles. ठीक है, देखिए सबसे पहले जो कार्ड में जो शो कर रहा है ना, कि आपका जो पार्टनर है, ठीक है, अभी मैं सिर्फ दोनों की कंबाइंड बताता हूँ, कि आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग ना बहुत ज्यादा सिमिलर सी दिखाई दे रही है मुझे। दोनों ही ना एक दूसरे को मौका देना भी चाहते हैं, और दोनों उस रिलेशनशिप से लेट गो भी करना चाहते हैं कि मुझे रिलेशनशिप नहीं रखना है। और दोनों के माइंड में ये चीज भी है, नहीं यार चल एक मौका देके देखते हैं। क्योंकि समझो, जानते हैं ये चीजें कब आती हैं, जब आप अपने पार्टनर से इमोशनली और मेंटली बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, आप चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पाते, उसकी यादें, उसके साथ बिताए हुए कुछ मोमेंट्स, गोल्डन मोमेंट्स जिसे कहा जाता है, आप वो चीज भुला नहीं पाते, तब ये चीजें आती हैं, तब ये सिमिलैरिटीज सामने आती हैं। लेकिन इसमें साफ दिखाई दे रहा है कार्ड के थ्रू कि आप जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं उस मोमेंट्स को सोचते हुए। क्योंकि देखिए, जब जब आपके सामने मोमेंट्स आते हैं ना, वो आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा मिस करते हैं, कि हम उस टाइम ये करते थे, हम यहाँ घूमने जाते थे, ये करते थे, वो करते थे, हर मोमेंट को आप ना बहुत ज्यादा मिस करते हैं। लेकिन जो स्ट्रेस आपके दिमाग पे है ना उस टाइम बहुत ज्यादा, लेकिन आप उस चीज को किसी को शो नहीं करते, क्योंकि शो होते ही ना सामने वाला फिर आपको और उसके बारे में बताएगा, बोलेगा, और आप और ज्यादा स्ट्रेस हो जाएंगे।
ठीक है, इसलिए ना आप बहुत शांत शांत रहते हैं। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा किसी से बात नहीं करते, बहुत अपने में बिल्कुल रहते हैं ना, बिल्कुल अपने में रहना, बिल्कुल वैसा सा फील हो रहा है कि जैसे आप बिल्कुल अपने में रहते हैं। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ जो कार्ड के थ्रू दिखाई दे रहा है मुझे, जो आपके बीच में जब से आप अलग हुए हैं, अलग होने का रीजन जानते हैं क्या था? आपके बीच में कुछ बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ है, और आर्ग्यूमेंट में ये चीज दिखाई दे रही है कि दोनों ने एक दूसरे को बहुत अपशब्द बोले हैं, बहुत ज्यादा अपशब्द बोले हैं। और जिसमें कि ये दिखाई दे रही है कि आपने तो उस चीज को इग्नोर कर दिया, चल ठीक है मुंह से निकले, उसने ही बोले, आपने ही बोले, बात खत्म। लेकिन आपका पार्टनर उसे अपने दिल से लगा के बैठा हुआ है, इसलिए वो आपसे अभी तक नो कॉन्टेक्ट में है। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि आप ना एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि उसकी वजह से ऐसा हुआ है, उसकी वजह से हम दोनों अलग हुए हैं, दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मन ही मन में है ना ब्लेम कर जा रहे हैं, नहीं उसने ऐसा बोला इसलिए आज हम ऐसे दोनों अलग अलग राह पे खड़े हुए हैं, आप सोच रहे हो कि नहीं उसने ऐसा करा है, दोनों मतलब एक दूसरे को ब्लेम करे जा रहे हैं। लेकिन जैसे कि एक चीज साफ चीज दिखाई दे रही, लवर से कार्ड आया है, ये चीज दिखाई देती है कि आप ने जो रिलेशनशिप बनाया था ना, रिलेशनशिप जो आपका था बहुत पुराना रिलेशनशिप था, जिसे कह सकते हैं हाँ 4 5 6 साल तक का रिलेशनशिप आपका चल रहा था ये, और आपने इस लेवल तक सोच लिया था कि आप दोनों शादी करोगे। शादी तक का आपके दिमाग में पूरी प्लानिंग आ गई थी, पूरी प्लानिंग कर ली कि हम दोनों शादी करेंगे, यहाँ पे यहाँ घर लेंगे, इस घर में रहेंगे, इवन आपने बच्चों तक के नाम सोच लिए थे, हमारे बच्चों के नाम ये होंगे, मतलब बहुत लंबी प्लानिंग आपने कर ली थी। लेकिन बीच में कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट हुआ, दोनों के मुंह से कुछ ऐसे, वो देखो उसको कहते हैं ना विनाश का विपरीत बुद्धि, दोनों के मुंह से कुछ आपस में आर्ग्यूमेंट में गुस्से में ऐसी चीजें निकल गई जो कि दिल को छू गई बिल्कुल। उस शब्दों ने आपके मन में एक ऐसा चीज कर दिया, नहीं आ रही अभी से ऐसे है तो शादी के बाद तो पता नहीं क्या होगा। तो आप दोनों तभी से ना आपके रास्ते अलग हो गए, और ये चीज दिखाई दे रही है कि आपने जब शादी के सोच लिया था उस चीज को भी बहुत टाइम हो गया, समझो कि आप बिल्कुल मूव ऑन करने की तरफ चल गया, मुझे अब मूव ऑन कर लेना चाहिए, तो आपने किसी और से शादी कर ली। आपकी शादी किसी और से हो गई है, उसकी शादी किसी और से हो गई है, ठीक है। लेकिन आपने मन में सोच भी रखा कि अब वो चीज हो नहीं सकती, कभी भी हम दोनों एक नहीं हो सकते, लेकिन मन में अभी भी आपके कहीं ना कहीं ये है कि आप दोनों फिर से दोबारा मिलोगे। एक बार यूनिवर्स की करनी ऐसी होगी कि आप दोनों दोबारा से एक बार मिलोगे। जो मैं देख कार्ड भी निकालता हूँ, देखते हैं कि दोबारा मिलने का कार्ड आया है या नहीं आया। एक मिनट मैं कार्ड शफल कर लेता हूँ। देखते हैं क्या कार्ड निकलता है, यूनिवर्स क्या चाहता है कि आप दोनों वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये देखिए, ये देख रहे हैं एस ऑफ स्क्वाड, यूनिवर्स भी चाहता है कि आप दोनों एक बार मिलें, और ये 100% होगा। आप दोनों एक दूसरे को इतना ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप दोनों की शादी हो गई है, मन में खटास भी है एक दूसरे को लेकर, इतना टाइम हो गया आपको दोनों को अलग हुए हुए, लेकिन आज भी मन में एक दूसरे को लेके दिल के एक छोटे से कोने में आप दोनों ने एक दूसरे के लिए जगह रखी हुई है कि कभी तो ऐसा मोमेंट आएगा कि हम दोनों मिलेंगे, और मोमेंट भी बहुत जल्द आने वाला है, या किसी का तो मोमेंट ये चीज आ भी चुकी होगी। और यदि जब वो दोबारा आपसे मिलेंगे ना, आप समझो कि आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, भले ही वो आफ्टर मैरिटल अफेयर रहा हो, लेकिन आप दोनों एक सोलमेट्स हैं, समझ रहे हैं। यदि आपने रिलेशनशिप दोनों का 7 8 6 साल का रहा है, बीच में आर्गुमेंट्स हुए, आपका रिलेशनशिप टूट गया, उसके बाद भी 1 1.5 साल 2 साल निकल गए, आप दोनों एक दूसरे के बारे में भूल गए, लेकिन फिर कहीं ना कहीं पता नहीं कुछ ऐसा होता है कि आपके दिमाग में एक दूसरे, आपके कानों में ना एक दूसरे के नाम सुनाई देते हैं, कहीं किसी से, किसी के मुंह से, किसी पर्पस को लेकर सुनाई देते हैं, फिर आपके मन में एकदम से दिमाग में बत्ती जलती है कि नहीं, वो एक इंसान था जिसे मैं सच्चा प्यार करती थी, सच्चा प्यार करता था। शादी हो गई आप दोनों की, ठीक है,
और शादी के बाद फिर आपके मन में पता नहीं कहीं से दिमाग में आया कि नहीं एक बार हम दोनों मिलेंगे जरूर। और देख रहे एस ऑफ स्वैर्ड का भी कार्ड ये आया कि यूनिवर्स आपको हर हाल में मिलाएगी एक बार, और जब मिलाएगी ना ये मैं फिर बता रहा हूँ एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा आपकी लाइफ का जिसमें लस्ट नहीं होगा, सिर्फ फीलिंग्स होंगी एक दूसरे के लिए। ये मोमेंट ऐसा आएगा कि आप एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे, किसी भी हाल में नहीं रह पाएंगे। जब एक दूसरे से मिलेंगे ना आप बिना बातें करे एक दूसरे से बहुत कुछ बोल जाओगे एक दूसरे को, आंखों ही आंखों में, मन मन की जैसे कहते हैं ना मन की भाषा, उससे आप बहुत कुछ बोल जाओगे। और जितने में गिले शिकवे थे ना पुराने, जो भी आर्गुमेंट्स हुए थे सब भूल जाओगे। सिर्फ आपके सामने उस मोमेंट पे ये रहेगा खुशी, जो आपने सोचा था, जिसे आपने मैनिफेस्ट किया था, वो इंसान फिर आपके सामने आ खड़ा हुआ। और बहुत चीजें होंगी आगे, ये तो चैप्टर नहीं स्टार्टिंग है, अब तो चैप्टर स्टार्ट होगा लाइफ के नए। उसे भले ही आफ्टर मैरिटल अफेयर रहे, लेकिन आप अपने फैमिली को भी बहुत सही तरीके से मैनेज करेंगे, बहुत सही तरीके से। उसमें ऐसा नहीं होगा कि आप अगर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो तो आपकी फैमिली हैम्पर करेगी, नहीं, आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे और उसके साथ भी अटैच रहेंगे। ये हर हाल में होगा, ये गारंटी है इस चीज़ की। और वो नया चैप्टर जो स्टार्ट होगा ना, वो समझो कि आपका लाइफ का फिर से गोल्डन पीरियड आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। यूनिवर्स की भी यही चाहत है, समझो जब दो सोल्स होती है ना आपस में जो मिल नहीं पाती शादी से पहले, और ये समझो ये रिश्ता ना एक बहुत पुराना रिश्ता होता है, क्योंकि ये भी कह सकते हो कि कोई पिछले जन्म का रिश्ता है जो कि आपको इस जन्म में उसने मिलाया, फिर दूर किया, फिर मिलवा दिया। अब जब दोबारा मिलवाया है ना, ये एंड तक रहेगा रिश्ता। बीच में लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, लेकिन कई बार ऐसा भी होगा लड़ाई झगड़े हो गए, फिर नो कॉन्टेक्ट दे दिया, फिर एक दो महीने के लिए शांत हो गए, लेकिन फिर दोबारा से आपके पास फिर वापस आएंगे। भले ही कोई भी उन्हें लाइफ में मिल जाए, उनकी वाइफ है, कोई और थर्ड पर्सन मिल जाए, लेकिन आप जरूर रहोगे। वो जब थक हार जाएंगे ना कोई हर जगह से, उन्होंने आना आपके पास ही है हर हाल में, और आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये हर हाल में होगा, इस चीज की गारंटी है। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट करी होगी, सिचुएशंस कई लोगों की मैच हुई होगी। यदि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो तो प्लीज इसे क्लेम कीजिएगा, ताकि आपके रिलेशनशिप पे डिवाइन पावर्स की ब्लेसिंग हमेशा बनी रहे। और रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।